हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 23rd जैन तीर्थंकर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ इज कंसिडर्ड टू बी द 23rd जैन तीर्थंकर, ये आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो लॉर्ड पार्श्वनाथ वॉज द 23rd जैन तीर्थंकर हु लिव्ड अराउंड 872 to 772 BCE, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें लॉर्ड पार्श्वनाथ की, तो इनका जो सिंबल था, आइकॉनिक सिंबल था, इट वॉज अ स्नेक, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ही वॉज बॉर्न टू किंग अश्वसेन, यानी इनके फादर का नाम था अश्वसेन एंड हिज मदर्स नेम वॉज क्वीन वामा ऑफ काशी और वाराणसी। तो काशी या फिर वाराणसी की क्वीन थी जिनका नाम था वामा, वो पार्श्वनाथ की मदर थी, आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें हु इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। तो महावीर इनको कंसिडर किया जाता है एज द रियल फादर ऑफ जैनिज्म, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही वॉज द 24th तीर्थंकर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर बात करें इनके सिंबल की, तो इनका सिंबल था एक लायन। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म की, तो वो थे ऋषभनाथ, इनका नाम भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें इनके सिंबल की, तो इनका सिंबल था बुल, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट जो रियल फादर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है वो महावीरा को कहा जाता है, महावीर को कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, महावीर। सो इनका नाम भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच रिवर बैंक द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरस्वती। तो सरस्वती जो रिवर है, उसके साइड पे, उसके बैंक में जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन थी, ये फ्लरिश की। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड द रिवर सरस्वती। द वैदिक पीरियड इज एस्टिमेटेड फ्रॉम 1500 BC to 500 BC। तो देखिए 500 से लेकर 1500 BC तक का जो टाइम पीरियड है, इसे वैदिक टाइम पीरियड कहा जाता है। और ये जो बात आपने ध्यान में रखनी है, वो रिवर सरस्वती के बैंक में फ्लरिश की थी, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र रिफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्त डायनेस्टी के टाइम पर जो क्षेत्र था, ये टर्म, ये किसको रेफर करता था? तो हमें इसका आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्टीवेबल लैंड। तो जिस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन किया जा सकता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, उसको कहा जाता था क्षेत्र ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड, ये आपने ध्यान में रखना है। बात करें अगर हम गुप्त डायनेस्टी की, तो गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, उनका नाम था श्रीगुप्त, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, क्षेत्र रिफर्स टू कल्टीवेबल लैंड। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, वास्ट एरियाज ऑफ वर्जिन लैंड वर ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन। मेजर इम्प्रूवमेंट्स वर ऑल्सो मेड इन द एग्जिस्टिंग मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्प्रूवमेंट मैथड्स अपनाए गए थे बाय द गुप्तास, ये आपने ध्यान में रखना है। और इनके टाइम पर जो क्षेत्र था, वो कल्टीवेबल लैंड को कहा जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मुस्लिम स्कॉलर हु अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द इंडियन एक्सपेडिशन वॉज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल बिरूनी। तो अल बिरूनी वॉज द पर्सन जिन्होंने महमूद ऑफ गजनी को अकम्पनी किया था, यानी उनके साथ आए थे इन इंडिया, जब महमूद ऑफ गजनी ये इंडियन एक्सपेडिशन पे निकले थे, यानी भारतीय दौरे पे निकले थे, हम कह सकते हैं भारत के दौरे पे निकले थे जब महमूद ऑफ गजनी। एट द टाइम अल बिरूनी वॉज द स्कॉलर हु अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी। अल बिरूनी ही वॉज द पर्शियन स्कॉलर हु अकम्पनीड महमूद गजनवी टू अफगानिस्तान एंड
एंड इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अल बिरूनी की, तो अल बिरूनी इनका जो निकनेम फेमस है वो है अल उस्ताद, ये भी आपने ध्यान में रखना है, अल उस्ताद। और इसके अलावा अल उस्ताद का मतलब भी आप जान लीजिए, इसका मतलब होता है द मास्टर। और अगर हम बात करें तोता ए हिंद, तो तोता ए हिंद ये कहा जाता है आमिर खुसरो को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आमिर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी कि पैरट ऑफ हिंदुस्तान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू द जैन बिलीव, द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज लॉर्ड ऋषभनाथ, हु लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इन द एंशियंट सिटी ऑफ अयोध्या। तो अयोध्या में रहते थे ऋषभनाथ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिंबल था इनका बुल, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। और ये फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध बिलोंग्ड टू विच क्लैन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि साकी क्लैन को बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गौतम बुद्ध का जन्म 564 BC में हुआ था एट लुम्बिनी प्रोविंस इन नेपाल, और इनकी डेथ हुई थी एट कुशीनगर। अदर देन दैट इनका जो फुल नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और गौतम बुद्ध इनको द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल, द लाइट ऑफ एशिया। इसके अलावा द एनलाइटेंड वन भी इन्हें कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड एलैबोरेट लॉज वर लेड डाउन अबाउट इनहेरिटेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुप्ता पीरियड। तो गुप्तास के टाइम पर ही, एक तो हमने डिस्कस किया था कि जो कल्टीवेबल लैंड है उसको क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जो इनहेरिटेंस यानी कि जो विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं उससे रिलेटेड जो लॉज बने थे वो गुप्तास के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट करके बनाए गए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। द गुप्तास हैड अ फेयरली गुड जुडिशियल सिस्टम एज कम्पेयर टू अदर किंगडम्स। तो इनका जो जुडिशियल सिस्टम था वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर था। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एलैबोरेट लॉज वर लेड डाउन अबाउट द इनहेरिटेंस एज वेल। तो इनहेरिटेंस के बारे में भी, जो विरासत में चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट लॉज को किया गया था। हाउएवर लाइक अर्लियर पीरियड्स दीज लॉज वर बेस्ड ऑन द वर्ण हायरार्की। तो जैसे पहले वर्ण हायरार्की के बेसिस पे डिवीज़न किया जाता था, तो उसी बेस पे ऑल्दो इनका डिवीज़न किया गया था, बट द laws that were made, they were far better than any other dynasty, हम ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए next question देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी बिलोंग्ड टू विच क्लैन। तो अभी हमने देखा था गौतम बुद्धा ही बिलोंग टू द साके क्लैन, बट अब बात हुई है महावीर स्वामी की, तो ही बिलोंग्ड टू द क्लैन कॉल्ड एज जेंट्रियक। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो महावीर स्वामी थे वो जेंट्रियक क्लैन को बिलोंग करते थे, जिसे नया या फिर जनात्रेय भी कहा जाता है। सो जेंट्रियक वर्धमान महावीर बिलोंग्ड टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड क्षत्रिय क्लैन। तो क्षत्रिय क्लैन जिसको कहा जाता था नया, और जनात्री या फिर जंत्रिया, तो ये इसके कुछ अदर नेम्स हैं। ही वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम, तो कुंडग्राम में ये पैदा हुए थे नियर मॉडर्न पटना, एंड हिज फादर वॉज अ किंग ऑफ दिस एरिया। तो इनके फादर जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो इस एरिया के किंग थे, और इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, और ये सिस्टर थी ऑफ द चेतक एंड एमिनेंट लिच्छवी प्रिंस ऑफ वैशाली। तो वैशाली जो एक महाजनपद है, महाजनपद था, इसके एक एमिनेंट लिच्छवी प्रिंस थे जिनका नाम था चेतक। तो इनकी सिस्टर थी त्रिशाला, ये आपने ध्यान में रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इनकी मदर का नाम त्रिशाला था एंड इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो इस एरिया के किंग थे, कुंडग्राम एरिया के किंग थे। इनके क्लैन का नाम नया, जनात्री या फिर जंत्रियाक, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ रिटन द फेमस बुक कॉल्ड एज कल्पसूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भद्रबाहु। तो भद्रबाहु हैज़ रिटन दिस टेक्स्ट कॉल्ड एज कल्पसूत्र। सो द कल्पसूत्र इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीर, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट निर्वाणा। द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट इज भद्रबाहु। तो भद्रबाहु इज द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट कॉल्ड एज कल्पसूत्र, ये आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली ये एक जैन टेक्स्ट है जो तीर्थंकर्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वैकुंठ पेरुमल, सो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंदी वर्मन सेकेंड. तो नंदी वर्मन सेकेंड इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था ये टेम्पल, जिसका नाम है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ऑफ कांचीपुरम. तो कांचीपुरम में सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है. सो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल वॉज बिल्ट बाय अ पल्लवा किंग. तो देखिए जो नंदी वर्मन सेकेंड है ये एक पल्लवा किंग है, ये भी आपने ध्यान में रखना है. एंड इसके अलावा नंदी वर्मन सेकेंड इन द 8th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु. और ये लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते थे, यानी कि वैष्णव क्लैन को बिलोंग करते थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म. एंड अगर हम बात करें कांचीपुरम की, तो कांचीपुरम इट इज़ अ सिटी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये भी आपने ध्यान में रखना है. यहाँ पर था वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, राइट. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन डिड द बैटल ऑफ हाइड्रिस्पस टेक प्लेस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 326 BC में बैटल ऑफ हाइड्रिस्पस लड़ा गया था. पार्टीज यानी किस किसके बीच में ये बैटल ऑफ हाइड्रिस्पस लड़ा गया था, तो अलेक्जेंडर एंड पोरस, यानी पुरु और अलेक्जेंडर के बीच में ये बैटल लड़ा गया था. और इसका रिजल्ट ये रहा था कि ग्रीक वन दिस बैटल. एंड लोकेशन की बात करें तो बैंक ऑफ झेलम के पास ये बैटल लड़ा गया था, एंड जो नियर पंजाब में है, पंजाब ऑफ पाकिस्तान के पास था. और 326 BCE में ये बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ हाइड्रिस्पस या फिर बैटल ऑफ झेलम. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट वॉज द अदर नेम ऑफ बिम्बिसार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रेनिक. तो श्रेनिक इनका एक निक नेम है बिम्बिसार का, ये आपने ध्यान में रखना है. बात अगर हम करें बिम्बिसार की, तो ये हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं. सो एज पर द जैन लिटरेचर, बिम्बिसार हु इज कंसिडर टू बी द रियल फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी वॉज ऑल्सो नोन एज श्रेनिक, ये आपने ध्यान में रखना है. सो एक इंपॉर्टेंट बात है कि हरियंक डायनेस्टी को ये बिलोंग करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है. और इनको रियल फाउंडर कहा जाता है ऑफ द हरियंक डायनेस्टी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इन द सिटी विदाउट अ सिटाडेल, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चान्हू दारो. तो चान्हू दारो ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी साइट है जहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं पाया गया है, ये आपने ध्यान रखना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स के लिए. तो सिटाडेल की बात करें तो सिटाडेल का मतलब होता है एक तरीके से कैसल, कैसल या फिर हम कह सकते हैं इसको गढ़. तो गढ़ मतलब भी होता है किला टाइप का. तो किला या फिर सिटाडेल या फिर एक टाइप का कैसल जो थोड़ी हाइट पर बनाया जाता है फ्रॉम द सिटी, जैसे ये सिटी है और सिटी से थोड़ा हाइट पे एक कैसल बनाया जाता है, उसको सिटाडेल कहा जाता था इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में. तो ये आपने ध्यान में रखना है. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि चान्हू दारो में कोई भी सिटाडेल नहीं मिला है. चान्हू दारो लोकेटेड इन द लोअर सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स आउट एज द सोलिटरी एग्जाम्पल ऑफ अ मेजर हरप्पन अर्बन सेटलमेंट विदाउट अ सिटाडेल, इंटरप्रेटिंग दैट इट वॉज गवर्न फ्रॉम अनदर सिटी, मोहनजोदारो. तो देखिए जो रीज़न था ऑफ नॉट हैविंग अ सिटाडेल इन चान्हू दारो वो ये था कि ऐसा माना जाता था कि जो चान्हू दारो है उसको गवर्न किया जाता था फ्रॉम मोहनजोदारो, और वॉज अ पीसफुली इंटीग्रेटेड रिक्वायरिंग नो सेंट्रलाइज्ड फोर्टिफाइड अथॉरिटी, या फिर ऐसा माना जाता था कि ये एक पीसफुल इलाका था चान्हू दारो, बहुत पीसफुल सिटी था जहाँ पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, यानी कोई भी रिक्वायरमेंट कोई भी नीड नहीं थी ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी जहाँ पर कैसल बने, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो ये टू रीजन्स हैं बिहाइंड नॉट हैविंग अ सिटाडेल एट चान्हू दारो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ग्रीक राइटर कॉल चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकॉटस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिन. तो जस्टिन वॉज द नेम ऑफ द ग्रीक स्कॉलर जिन्होंने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को एज सेंड्रोकॉटस, ये आपने ध्यान में रखना है. तो अगर हम बात करें जस्टिन की, तो जस्टिन ही वॉज अ ग्रीक राइटर ऑफ एपिटोम. तो इनकी काफ़ी फेमस नॉवल है जिसका नाम है एपिटोम, हैड मैंशनड चंद्रगुप्त मौर्य एज अ सेंड्रोकॉटस, ये आपने ध्यान में रखना है. इनकी नॉवेल भी काफी, इनकी बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपिटोम. और कहा था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एज सेंड्रोकॉटस.
सो इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय विलियम जोन्स. एंड विलियम जोन्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जस्टिन इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को डिफाइन किया है एज सेंड्रोकॉटस. तो अगर हम बात करें सेंड्रोकॉटस को, तो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से नाम है, एक तरीके से नाउन है गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य. इसका एज सच कोई मीनिंग नहीं है, बस ग्रीक सोर्सेस में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकॉटस है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द विक्रमशिला विहार. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मपाल. तो धर्मपाल ही वॉज द धर्मपाल ही वॉज द किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी एंड गोपाल ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पाल डायनेस्टी. तो इनकी डायनेस्टी में जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विहार, या फिर हम कह सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था. इसके फाउंडर हैं ये. सो धर्मपाल द सेकेंड पाल किंग फाउंडेड द विक्रमशिला विहार एंड गिव अ लॉट ऑफ मनी टू दोज हु स्टडीड देयर. तो यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की गई थी बाय धर्मपाल हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. विक्रमशिला विहार ग्रू अप टू बी एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक सेंटर एंड स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम टिबेट एंड अदर फॉरन कंट्रीज केम टू स्टडी हेयर. तो ये एक सेंट्रल हब बन चुका था, इंटरनेशनल हब बन चुका था, जहाँ पर लोग ना सिर्फ इंडिया से बट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम फॉरन कंट्रीज दे यूज टू कम एंड स्टडी देयर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकटिकम. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि शूद्रक. तो शूद्रक इज द राइटर ऑफ दिस प्ले जिसका नाम है मृच्छकटिकम. ये आपने ध्यान में रखना है. तो शूद्रक वॉज द राइटर ऑफ दिस प्ले कॉल्ड इज मृच्छकटिकम विच मीन्स द लिटिल क्ले कार्ट. तो इसका मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट. अगर इस नाम से दिया जाए तो भी आपका आंसर होगा शूद्रक. सो द प्ले डील्स विथ द लव अफेयर ऑफ अ पुअर ब्राह्मण विथ अ ब्यूटिफुल डॉटर ऑफ अ कोटिसियन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्रा. तो इंद्र, तो भगवान इंद्र या फिर लॉर्ड इंद्र, इनको कहा जाता है एज द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स, यानी कि किलों को तोड़ने वाले, यानी गढ़ों को तोड़ने वाले, या फिर वॉर गॉड यानी कि युद्ध के देवता भी कहा जाता है गॉड इंद्र को. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड वॉज इंद्र, ऑल्सो नोन एज पुरंदर. और तो इनको पुरंदर भी कहा गया था इन ऋग्वेद. तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद यहाँ पे मैंशन एक तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है. एंड इनको पुरंदर भी कहा जाता था और द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स इन द ऋग्वेद. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वराह टेम्पल एट मल्लापुरम वॉज बिल्ट बाय. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट इन्होंने बिल्ड किया, इन्होंने बनवाया, कंस्ट्रक्ट करवाया या फिर निर्माण करवाया ऑफ द मल्लापुरम टेम्पल. ये आपने ध्यान में रखना है. वराह केव टेम्पल इन महाबलीपुरम तमिलनाडु वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट महामल्ला. द टेम्पल वॉज कमीशनड बाय किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड इन द मिड 7th सेंचुरी. तो मिड 7th सेंचुरी में इस टेम्पल को कमीशन किया था बाय नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने. ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चाइनीज ट्रेवलर केम इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि ह्यून सांग. द ह्यून सांग वॉज द नेम ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर जो आए थे फ्रॉम चाइना टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन. ये आपने ध्यान में रखना है. यू कैन लर्न दिस लाइक दैट एच स्टैंड्स फॉर हर्षवर्धन एंड एच स्टैंड्स फॉर ह्यून सांग. सो ह्यून सांग और जांग जुआन जांग भी ने कहा जाता है वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड ओवर लैंड फ्रॉम चाइना टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग हर्षवर्धन टू ऑब्टेन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की सर्च में, की तलाश में आए थे ये ह्यून जांग या फिर जुआन जांग फ्रॉम चाइना टू इंडिया. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द यूटेंसिल्स ऑफ द इंडस वैली पीपल वर मेड अप ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्ले. तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो यूटेंसिल्स थे यानी कि जो बर्तन थे वो क्ले के बने हुए थे. ये आपने ध्यान में रखना है. इन इंडस वैली सिविलाइजेशन यूटेंसिल्स वर मेनली मेड अप ऑफ क्ले. और अगर हम बात करें घरों की, तो जो घर थे वो बर्नट ब्रिक्स से बने थे. ये भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन, बर्नट ब्रिक्स से बने थे. ये भी आपने ध्यान में रखना है, यानी कि पके हुए पत्थरों से बनाया गया था घरों को इन इंडस वैली सिविलाइजेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग हु इश्यूड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुशांस. तो कुशांस वर द पीपल जिन्होंने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, यानी कि सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के बनाए थे वो बनाए थे कुशांस ने. कुशान डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, और कुशान डायनेस्टी को जाना ही उसकी गोल्ड कॉइन्स के लिए जाता है ज़्यादातर, तो ये आपने ध्यान में रखना है. कुशांस वर इंडो ग्रीक रूल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो कुशान डायनेस्टी केम अप विथ अ रिवॉल्यूशन इन द कॉइनेज ऑफ द कंट्री. तो कॉइनेज ऑफ द कंट्री में एक रिवॉल्यूशन टाइप का ले आए थे कुशान डायनेस्टी के रूलर्स थे गोल्ड कॉइन से, देवर ऑफ द प्योरेस्ट क्वालिटी, ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ द कुशान डायनेस्टी की, तो कुशान डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुजाला कैडेफिसिस. तो कुजाला कैडेफिसिस वॉज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द कुशान डायनेस्टी, ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हरप्पा वॉज वाइस्ड बाय. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन मार्शल. तो वाइस्ड मतलब होता है एक तरीके से देखना, एक तरीके से सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना. तो सर जॉन मार्शल इनके अंडर में, इनके सुपरविजन में एक्सकेवेशन हुआ था मोहनजोदारो एंड हरप्पा का, ये आपने ध्यान में रखना है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल 1500 साइट्स वर एक्सकेवेटेड. टू आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी एंड आर डी बनर्जी लेड द एक्सकेवेशन एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो रिस्पेक्टिवली. तो टू आर्कियोलॉजिस्ट का नाम भी आपने ध्यान में रखना है, दयाराम साहनी इन्होंने एक्सकेवेशन किया था हरप्पा का, और आर डी बनर्जी इन्होंने एक्सकेवेशन किया था मोहनजोदारो का, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड इन सबका जो सुपरविजन किया था, इनको वाइस किया था बाय जॉन मार्शल ने, ये आपने ध्यान रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि महापद्मानंद. तो महापद्मानंद ऑफ द नंद डायनेस्टी, इनको कंसिडर किया जाता है एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास के पहले साम्राज्य निर्माता की तरह इन्हें देखा जाता है. द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी महापद्मानंद इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द टू ग्रेट एपिक्स द रामायणा एंड द महाभारता वर कंपाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोर्थ सेंचुरी के अराउंड जो टू ग्रेट एपिक्स हैं रामायणा एंड महाभारता, इनका कंपाइलेशन हुआ था. आर्ट एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर द गुप्त एम्पायर इन एंशियंट इंडिया. तो गुप्तास के टाइम पर आर्ट और जो कल्चर था, आर्ट कल्चर और लिटरेचर ने काफ़ी तेज पेस पकड़ी थी ड्यूरिंग दिस टाइम. संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इन दिस पीरियड. और संस्कृत जो थी वो मेन लैंग्वेज थी, प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी फॉर लिटरेचर इस टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास. द टू ग्रेट एपिक्स द रामायण एंड द महाभारता वर कंपाइल्ड इन द फोर्थ सेंचुरी CE. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी वॉज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रीगुप्त. तो श्रीगुप्त ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी. द गुप्त डायनेस्टी दैट डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय द श्रीगुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन रूलर स्टैब्लिश द सांची स्तूपा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोका. तो अशोका वॉज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ द मौर्यन रूलर जिन्होंने सांची स्तूपा का कंस्ट्रक्शन करवाया था. सांची स्तूपा की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. द ग्रेट स्तूपा इज सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय मौर्यन एम्परर अशोका द ग्रेट इन 3rd century BCE. तो 3rd century BCE, ये आपने ध्यान में रखना है. इस टाइम पर अशोका द ग्रेट ने जो ये सांची स्तूपा है इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुष्यमित्र शुंग. तो पुष्यमित्र शुंग ही वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी. पुष्यमित्र शुंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द शुंग डायनेस्टी बाय असैसिनेटिंग
बृहद्रथ मौर्य। तो बृहद्रथ मौर्य को असेसिनेट करने के बाद पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने कमान पकड़ी ऑफ द शुंग डायनेस्टी, इसका एस्टेब्लिशमेंट करवाया। एंड ही वॉज अ लास्ट रूलर, एंड बृहद्रथ मौर्य ही वॉज अ लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ मौर्य, ही वॉज कमांडर इन चीफ इन द आर्मी ऑफ मौर्यन एम्पायर। और इनके जो सक्सेसर थे पुष्यमित्र शुंग के, वो थे अग्निमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबातक इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क जो एक रूलर थे ऑफ कुषाण एम्पायर, तो इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे, रबातक इंस्क्रिप्शन जो है ये प्रोवाइड कराती है द एविडेंस ऑफ कनिष्क हु वाज द कुषाण, हु वाज द रूलर ऑफ द कुषाण एम्पायर। कनिष्क वाज द थर्ड रूलर ऑफ द कुषाण एम्पायर, ही वाज द ग्रैंड सन ऑफ कैडेफिसिस फर्स्ट, द फाउंडर ऑफ द कुषाण एम्पायर। तो कैडिफेसिस जो फाउंडर थे कुषाण एम्पायर के, इनके ग्रैंडसन थे। द फेमस रबातक इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द रॉक इन द बैक्टीरियन लैंग्वेज एंड ग्रीक स्क्रिप्ट प्रेजेंट्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन कनिष्क। तो ग्रीक स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है रबातक इंस्क्रिप्शन, ये आपने ध्यान में रखना है, और ये इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट कनिष्क हु वॉज अ कुषाण रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज अ हाई लेवल बिजनेसमैन कॉल्ड इन 6th century BCE। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेठी। तो सेठी वॉज द वॉज अ काइंड ऑफ टाइटल गिवन टू हाई लेवल बिजनेसमैन। तो हाई लेवल बिजनेसमैन को जो डिजिग्नेशन दी जाती थी इन द 6th century BCE, इट वॉज सेठी। सो ड्यूरिंग द 6th century BCE, द डेवलपमेंट ऑफ टाउन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। द सेठी वॉज अ हाई लेवल बिजनेसमैन हु वॉज एसोशिएटेड विद द ट्रेड एंड ऑल्सो विद द मनी लैंडिंग। तो मनी लैंडिंग या ट्रेड से एसोशिएटेड लोगों को सेठी रेफर किया जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 6th century BCE, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर इन्वेडेड चालुक्यन किंगडम एंड कैप्चर्ड बदामी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ये एक पल्लवा रूलर थे जिन्होंने इन्वेड किया था चालुक्यन किंगडम को और बदामी को कैप्चर कर लिया था। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन द बैटल ऑफ वतापी द पल्लवा रूलर नरसिम्हा वन डिफीटेड एंड किल पुलकेशिन सेकेंड। तो देखिए पुलकेशिन सेकेंड को हराया था नरसिम्हा फर्स्ट ने ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वतापी, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड कैप्चर द चालुक्यन कैपिटल बदामी। तो बदामी वॉज द नेम ऑफ द चालुक्यन कैपिटल, तो इसको कैप्चर कर लिया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बाय डिफीटिंग पुलकेशिन सेकंड इन 642 AD। थर्स ही अज्यूम्ड द टाइटल वतापिकोंडा। वतापिकोंडा मतलब द कॉन्करर ऑफ वतापी, द कॉन्करर ऑफ वतापी। तो वतापिकोंडा का मतलब होता है द कॉन्करर ऑफ वतापी, और ये किसका टाइटल है, नरसिम्हा फर्स्ट का टाइटल, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट का टाइटल है वतापिकोंडा, द कॉन्करर ऑफ वतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क हु वॉज अ कुषाण रूलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क, ये आपने ध्यान में रखना है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्क इन कश्मीर इन 72 AD। तो के क्यूब करके आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क हु वॉज अ कुषाण रूलर, और कहाँ पर हुई थी, कश्मीर पर हुई थी, के क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रेफर किया जाता है एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। अफ्रीका इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बिकॉज ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेटेड देयर। द नेम अप्लाइज मोर स्पेसिफिकली टू अ रीजन इन साउथ अफ्रीका वेयर फॉसिल रिमेन्स ऑफ सेवरल ह्यूमन एंसेस्टर्स हैव बीन फाउंड। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका में स्पेसिफिकली कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं ऑफ द एंसेस्टर्स, तो बहुत पुराने एंसेस्टर्स के फॉसिल्स पाए गए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, देयरफोर इट इज रिगार्डेड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कालीबंगन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि पॉटरी के लिए फेमस है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है कॉल्ड इज कालीबंगन। डिस्कवर हुई थी ये 1953 में। इट इज़ अ फेमस फॉर पॉटरी एंड ब्लैक बैंगल्स। तो काली चूड़ियों के लिए और पॉटरी के लिए फेमस है ये साइट नोन एज कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाने सर से कन्नौज शिफ्ट कर दी थी हर्षवर्धन, जो एक किंग थे ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड इन्होंने अपनी जो कैपिटल है ये थाने सर से कन्नौज में शिफ्ट कर दी थी, ये आपने ध्यान में रखना है. में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थाने सर टू कन्नौज. अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो इनकी डायनेस्टी क्या थी, वर्धन डायनेस्टी थी इनकी, वर्धना इनकी डायनेस्टी का नाम था. डायनेस्टी कोई इनकी पुष्याभूति या फिर हम कह सकते हैं वर्धन डायनेस्टी. एंड रिलीजन था इनका शैविज्म एंड बौद्धिज्म. तो दीज रिलीजन जो हर्षवर्धन जिनको फॉलो करते थे, ये आपने ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स वॉज ऑल्सो नोन एज मामलन, जिसका मतलब होता है द ग्रेट रेसलर. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट इनको इनको मामलन, जिसका मतलब होता है द ग्रेट रेसलर, इसके नाम से भी जाना जाता है. नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट वॉज अ तमिल किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. तो पल्लवा डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे. हु रूल्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम 630 टू 668 AD. ही वॉज ऑल्सो नोन एज ममलन, विच मीन्स द ग्रेट रेसलर. एंड ममलापुरम, जिसका मतलब है, जिसको लेटर महाबलीपुरम के नाम से जाना गया, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. तो महाबलीपुरम जो ये नाम है, ये भी ममलापुरम के नाम से रखा गया. ममलन एंड ममलन वॉज द नेम ऑफ नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिसका मतलब होता है द ग्रेट रेसलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि चाणक्य. चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. तो ही वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्ता गुरु वॉज चाणक्य, विथ हुम ही स्टडीड एज अ चाइल्ड एंड विथ हुज काउंसिल ही बिल्ड द एम्पायर. और चाणक्य यानी विष्णुगुप्त की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में सक्षम रहे, यानी कि ही वॉज केपेबल ऑफ बिल्डिंग हिज एम्पायर बिकॉज ऑफ हिज टीचर नोन एज चाणक्य, या फिर इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु. तो सिंधु वॉज द नेम ऑफ द रिवर जो मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर थी ऋग्वेदिक पीरियड में. तो सिंधु इज द मोस्ट मैंशनड रिवर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इज सरस्वती. तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो रिवर है वो सरस्वती है, और जो मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर है वो सिंधु है. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. द ऋग्वेदा मैंशंस द सरस्वती रिवर एज बिटवीन द यमुना टू द ईस्ट एंड रिवर सतलज टू द वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बैटल ऑफ कलिंगा टेक प्लेस. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 261 BC में बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा गया था, ये आपने ध्यान में रखना है. द बैटल ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन 261 BC बिटवीन एम्परर अशोका एंड द किंग अनंत पद्मानभन ऑफ किंग कलिंगा ऑफ कलिंगा. तो कलिंगा के जो राजा थे वो पद्मानभन थे और अशोका द ग्रेट के बीच में ये बैटल हुआ था कलिंगा का 261 BC में, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बाय व्हाट नेम इज अशोका कॉमनली नोन इन हिज इंस्क्रिप्शंस. तो अपनी जो शिलालेख हैं या फिर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें अशोका को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि प्रियदर्शी. तो प्रियदर्शी इज द नेम ऑफ अशोका मैंशनड इन हिज इंस्क्रिप्शंस. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. इन भाबरू एडिक्ट द मौर्यन एम्परर अशोका रिफर्स हिमसेल्फ एज प्रियदर्शी लार्ज मगधे, या फिर प्रियदर्शी द किंग ऑफ मगध. तो इसका मतलब है प्रियदर्शी लार्ज मगधे, इसका मतलब है प्रियदर्शी द किंग ऑफ मगध. इन दिस एडिक्ट द स्टेट्स ऑफ हिज फेथ इन बुद्धा. तो इसमें जो उनका फेथ है, उनका जो फेथ है, उनका ट्रस्ट है टुवर्ड्स बुद्धा, वो मेंशन किया गया है इस एडिक्ट में, ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड विच रिलीजन.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैनिज्म। तो जैनिज्म रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड जैनिज्म आफ्टर रिटायरिंग व्हेन ही रीअनाउंस्ड हिज थ्रोन एंड मटेरियल पोजेशंस टू जॉइन ऑफ जैन मॉन्क्स। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जब अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स का एक तरीके से त्याग कर दिया था, इनको छोड़ दिया था, इन्होंने उसके बाद ज्वाइन किया था एक मॉन्क्स के ग्रुप को, जो ऐसे विचरण करते थे, हम कह सकते हैं वॉन्डर करते थे इन द फॉरेस्ट। चंद्रगुप्त वॉज अ डिसाइपल ऑफ जैन मॉन्क कॉल्ड एज आचार्य भद्रपाहु। तो भद्रपाहु ये नाम आपने सुना होगा, हमने इसी वीडियो में इनका एक टेक्स्ट डिस्कस किया है, जो एक जैन टेक्स्ट था, तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य थे, किनके? भद्रपाहु के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स इंट्रोड्यूस द टू लॉज ऑफ व्यवहार समता एंड दंड क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि अशोका। तो अशोका वॉज द रूलर जिन्होंने ये टू लॉस को इंट्रोड्यूस किया था, व्यवहार क्षमता एंड दंड क्षमता। अशोका इंट्रोड्यूस व्यवहार क्षमता सो दैट ऑल हिज सब्जेक्ट्स इक्वल इन लॉ, एंड हिज दंड क्षमता ही वॉन्टेड इक्वलिटी ऑफ पनिशमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो देखिए दंड क्षमता का मतलब है कि पीपल विल गेट इक्वल पनिशमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्रीड, यानी कि कास्ट के बेसिस पे पनिशमेंट को डिफरेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट द सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ क्राइम, हम कह सकते हैं। दूसरा था व्यवहार क्षमता, यानी कि जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं सबको इक्वल माना जाएगा बिफोर द लॉ। तो लॉ के सामने सब लोग इक्वल होंगे, ये व्यवहार क्षमता एक तरीके से बताता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कैम्प्ड ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ विच रिवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झेलम रिवर। तो झेलम रिवर के बेसाइड पे के अपोजिट बैंक्स में अलेक्जेंडर और पुरु का जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइडिस्पस, ये लड़ा गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। बैटल ऑफ हाइडिस्पस को बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के पास पे लोकेटेड था। द बैटल ऑफ हाइडिस्पस वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द पोरस इन मे of 326 BC. It took place on the banks of Hydaspes River in Punjab as a part of Alexander's Indian campaign. Next question, what is the Vedic name of river Satluj? Right answer हो जाएगा इसके लिए option number A, यानी कि सतुद्री। तो सतुद्री it is the name of river Satluj mentioned in the Vedas. तो वेद में जो नाम है सतलज रिवर का, it is सतुद्री। River Satluj was called as Satudri in Vedic period. Its Sanskrit name is Shatadru. और इसका संस्कृत जो नेम है वो है शतादरु, शतुद्री भी इसे कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस प्ले रिटन बाय गुप्ता पोएट कालिदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शकुंतला। शकुंतला इज द स्टोरी ऑफ How a highly king married a poor orphan whose name was Shakuntala. तो शकुंतला जो एक स्टोरी है इसमें मेंशन किया गया है कि कैसे एक किंग ने एक पुअर ऑर्फन यानी अनाथ एक जो लड़की थी उनके साथ शादी की थी। हाउ एवर द किंग वॉज पुट अंडर अ स्पेल एंड फॉरगॉट अबाउट हिज ब्राइड। और इसके बाद एक स्पेल के अंडर, एक पूरे स्पेल के अंडर किंग चले गए थे, जिसके वजह से वो अपनी पत्नी के बारे में भूल गए थे। इवेंचुअली ही रिकवर्स इस मेमोरी एंड द टू ऑफ देम बिकम वन अगेन। तो ऐसा कुछ मेंशन है शकुंतला ये बुक में, विच वॉज रिटन बाय कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंशन ऑफ द ग्रेट फ्लड यानी कि महाप्रलय इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सात पथ ब्राह्मणा। तो सात पथ ब्राह्मणा इस पे मेंशन है अबाउट द ग्रेट फ्लड या फिर महाप्रलय हम कह सकते हैं। मेंशन ऑफ द ग्रेट फ्लड इज फाउंड इन सात पथ ब्राह्मणा। द सात पथ ब्राह्मणा कंटेन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल सिंबोलिज्म एंड माइथोलॉजी। तो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में और माइथोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है सात पथ ब्राह्मणा में, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ऑथर्ड अष्टाध्यायी।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि पाणिनि। तो पाणिनि जिनको कहा जाता है द फादर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी को। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि वॉज अ एंशियंट संस्कृत फिलियोलॉजिस्ट। तो पाणिनि एक संस्कृत फिलियोलॉजिस्ट थे, ग्रामेरियन थे एंड अ रिवर्ड स्कॉलर इन एंशियंट इंडिया, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक और द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कलहंस बुक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये बुक का नाम है कल्हण की। कल्हण इज द ऑथर ऑफ द बुक राज तरंगिणी। सो राज तरंगिणी जिसका मतलब है द रिवर ऑफ किंग्स इज अ लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में डिस्कस किया गया है इस राज तरंगिणी बुक में। इट वॉज रिटन इन संस्कृत बाय कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हण। तो कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हण ने इस किताब को लिखा है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल बरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल। तो लोथल विच वॉज अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर कपल बरियल यानी कपल्स को साथ बरी किया जाता था। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वॉज फाउंड इन लोथल, ये आपने ध्यान में रखना है। और लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो गुजरात में सिचुएटेड है। कपल बरियल वॉज फाउंड फ्रॉम द लोथल एट हरप्पन साइट्स। लोथल वॉज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। तो गुजरात के भाल रीजन में ये लोथल साइट लोकेटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन इन अर्ली वैदिक पीरियड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैटल। तो कैटल वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन, यानी सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था कैटल्स को, यानी कि पशु पालन हम कह सकते हैं। इट वॉज मोस्टली द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक पीरियड। इसके अलावा जो काउ थी, काउ को अघन्या नाम से जाना जाता था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। काउ वॉज कॉल्ड एज अघन्या इन द वैदिक पीरियड, ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याणा विथ वेंगी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तगारा। तो तगारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था जो एंशियंट सिटीज जो थी कल्याणा और वेंगी को कनेक्ट करता था, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वेंगी, तो ये मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है एंड कल्याणा इट सिचुएटेड इन कर्नाटका। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर आता था वो था तगारा। तगारा वॉज द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याणा विथ वेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैज अ सपोज डॉकयार्ड बीन फाउंड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। तो लोथल में एक डॉकयार्ड भी पाया गया है, लोथल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये गुजरात के भाल रीजन में सिचुएटेड है। लोथल वॉज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ द इंडस वैली ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द भाल रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। इसकी लोकेशन सारगवाला गुजरात में है। और अगर हम बात करें लोथल की, तो ये एक पोर्ट टाउन भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द ऋग वैदिक पीपल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैटल रियरिंग। तो कैटल रियरिंग इट वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, ये आपने ध्यान में रखना है। तो कैटल रियरिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। द ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज पेस्टोरल इन नेचर। कैटल रियरिंग वॉज देयर डोमिनेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज मिक्स्ड। तो देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता था। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत कम था या फिर ना मात्र था। जो बेसिक जो लोगों का बेसिक ऑक्यूपेशन था, इट वॉज कैटल रियरिंग, यानी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसिफर अशोकन इंस्क्रिप्शन?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप वॉज द हिस्टोरियन, वॉज द पर्सन जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ा था। सो द इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड वर रिटन इन द मगधी प्राकृत यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो मगधी प्राकृत में लिखा गया था इसको, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी। फाइल प्राकृत यूजिंग द खारोष्टी स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड एरामिक वर यूज इन द नॉर्थ वेस्ट। तो इसकी जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में थी, ग्रीक में एंड एरामिक में भी लिखी गई थी, जो नॉर्थ वेस्ट में थे। दीज एडिक्ट्स वर डिसिफर्ड बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोका के इंस्क्रिप्शन हैं इनको डिसिफर किया था, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सावित्री। तो सावित्री इनको एड्रेस किया जाता है, द फेमस गायत्री मंत्र विच वॉज रिटन बाय विश्वामित्र। सो द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद कंटेन्स द गायत्री मंत्र विच वॉज कंपाइल्ड विच इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री एंड कंपोज बाय सेज विश्वामित्र। और देखिए जो गायत्री मंत्र है इसको लिखा था सेज विश्वामित्र जी ने, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द अतरंजी खेड़ा सिचुएटेड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा ये सिचुएटेड है। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज लोकेटेड इन इताह ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें आलमगीरपुर की, इट इज एन एंशियंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच उपनिषद इज द फ्रेज सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रियम्स मैन टू एंड पिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन। तो जो इंडियन एम्बलम है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुंडका उपनिषद से ये स्लोगन लिया गया है। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, तो यही इंडिया का नेशनल मोटो है, सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड below the emblem of India is taken from the Mundaka Upanishad. This motto means with truth alone triumphs. It was written in Devanagari script. और इसको Devanagari script में लिखा गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following was the most powerful and aggressive ruler of Haryanka dynasty? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अजात शत्रु। तो अजात शत्रु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड एग्रेसिव रूलर ऑफ द हरियंक डायनेस्टी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, अजात शत्रु द सन ऑफ बिम्बिसार वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड एग्रेसिव रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी। तो बिम्बिसार के जो बेटे थे उनका नाम था अजात शत्रु, और ये मोस्ट पावरफुल और एग्रेसिव रूलर थे हरियंक डायनेस्टी के। ही इज बिलीव टू हैव किल्ड एंड सीज द थ्रोन। और ऐसा माना जाता है कि अजात शत्रु ने अपने फादर बिम्बिसार को मार के थ्रोन यानी गद्दी हासिल की थी। ही फॉलोड हिज फादर्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेदा द बैटल ऑफ 10 किंग्स और द दसार्जन युद्ध वॉज फॉट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो बैटल ऑफ दसार्जन या फिर द बैटल ऑफ 10 किंग्स ये लड़ा गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो वेदिक किंगडम्स ऑफ भरतास अगेंस्ट द त्रुत्सु भरत। एंशियंट टाइम्स में रावी रिवर को परुशनी रिवर के नाम से भी जाना जाता था पंजाब में। और 14th century BCE में ये लड़ा गया था। सोर्स है इसका ऋग्वेद, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन रिवर। तो सोन रिवर के बैंक में जो मगध एम्पायर है ये स्टैब्लिश्ड है, ये आपने ध्यान में रखना है। मगध वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा विद इट्स कैपिटल एट द राजगृह। अमंग द 16 महाजनपदास मगध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वन। तो मगध जो महाजनपद था ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, ये आपने ध्यान में रखना है। और सोन रिवर जो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ये इसके बैंक में सिचुएटेड था मगध, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी की, तो देखिए फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर माना जाता है किंग बिम्बिसार को। तो किंग बिम्बिसार इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मगध एम्पायर, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के जो पुरुष सूक्त है वहाँ पर डिवीजन ऑफ फोर क्लासेस मेंशन्ड है ऋग्वेदा में, ये आपने ध्यान में रखना है। डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरिसेन। तो हरिसेन इज नोन एज टू बी द पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त देखिए इंडियन नेपोलियन, हरिसेन वॉज हिज कोर्ट पोएट हु रोट अलाहाबाद प्रशस्ति एंड गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द सिंबल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गरुड़। तो गरुड़ वॉज द सिंबल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड द सिंबल ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज गरुड़ अ मैथोलॉजिकल क्रिएचर। तो गरुड़ एक मैथोलॉजिकल वो है, एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इट वॉज द सिंबल ऑफ इट वॉज द सिंबल ऑफ गुप्ता एम्पायर दैट वॉज अ मिक्स बिटवीन ह्यूमन एंड एन ईगल। तो एक ह्यूमन और ईगल का एक मिक्सचर होता है जिनको जिसको कहा जाता है गरुड़, और गरुड़ यही वाहन होता है ऑफ लॉर्ड विष्णु अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। तो लॉर्ड विष्णु जो है उनका जो वाहन होता है यानी जिसके ऊपर वो सवारी करते हैं उनको उसको गरुड़ कहा जाता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड एन ईगल। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्टली कॉइन्स ऑफ सातवनास टाइम व मेड अप ऑफ विच मेटल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेड। लेड का लेड के बने होते थे मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवना डायनेस्टी, ये आपने ध्यान में रखना है। द मोस्टली इशूड कॉइन्स ऑफ लेड विच इज फाउंड ऑन द डेक्कन एंड ऑल्सो कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो कॉपर ब्रॉन्ज एंड लेड के जो कॉइन्स थे दे वर मेड बाय द दे वर इशूड बाय द सातवना डायनेस्टी, द रूलर्स ऑफ द सातवना डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साक रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टेंट इरीगेशन वर्क इन सौराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रुद्रदामन। तो रुद्रदामन वॉज द रूलर वो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरीगेशन वर्क, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ इनके टाइम में इन द सौराष्ट्र रीजन। तो गुजरात और महाराष्ट्र के जो बीच का सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज रिगार्डेड एज द सौराष्ट्र रीजन। सो द साक रूलर रुद्रदामन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टेंट इरीगेशन वर्क इन सौराष्ट्र। हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स, हिज टेरिटरीज एंड हिज मैनी पर्सनल क्वालिटीज आर हाईलाइटेड इन द फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटन इन 150 AD। इट इज द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन टू बी रिटन इन संस्कृत। और फर्स्ट मेजर जो इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखी गई थी वो जूनागढ़ में लिखी गई थी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो मिलिट्री अचीवमेंट बताती है अबाउट द रूलर रुद्रदामन, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड हर्षवर्धन ऑफ नॉर्थ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड वॉज द रूलर जिन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड किंग हर्षवर्धन इन द बैटल दैट वॉज फॉट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के पास पे ये बैटल हुआ था जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आयरन। सो आयरन वॉज द मेटल जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज सक्सीडेड बाय होम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्रदामन। तो रुद्रदामन वॉज अ साक रूलर जिन्होंने चंद्रगुप्त सेकेंड को सक्सीड किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो रुद्रदामन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टेंट इरीगेशन वर्क इन सौराष्ट्र रीजन एज वेल। सो उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स को जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन थी जो संस्कृत में लिखी गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन विच रिवर्स बैंक वॉज हरप्पा सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रावी रिवर। तो रावी रिवर के बैंक में जो हरप्पा है ये सिचुएटेड था, ये आपने ध्यान में रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, हरप्पा अ विलेज इन द ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान में सिचुएटेड है. इट लाइज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अ नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रावी रिवर. तो जो रावी रिवर है उसके इस बैंक पे सिचुएटेड था. अब ये रावी रिवर काफ़ी सूख चुकी है, तो इसके ड्राई कोर्स पे एक विलेज सिचुएटेड है जो हरप्पा नाम से जाना जाता है इन ईस्टर्न पाकिस्तान. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋषभ देव. तो ऋषभ देव रियल फर्स्ट रियल फाउंडर थे जैनिज्म के, तो ये आपने ध्यान में रखना है. सो ऋषभ देव इज़ कंसिडर टू बी द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म. मोर ओवर अगर आपसे पूछा जाए द फादर ऑफ जैनिज्म, तो फादर ऑफ जैनिज्म महावीर को कहा जाता है, लॉर्ड महावीर को कहा जाता है. एंड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म ये हैं ऋषभ देव, ये आपने ध्यान में रखना है. सो इज कंसिडर्ड टू बी द इज दैट टू बी द हैव लिव्ड मिलियन ईयर्स अगो. तो ऐसा माना जाता है कि आज से मिलियन ईयर्स पहले ये रहा करते थे एट अयोध्या. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ द मंत्र फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद. तो ऋग्वेद में अकरेंस ऑफ गायत्री मंत्र देखा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम. गायत्री मंत्र वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द ऋग्वेद एंड वॉज रिटन इन संस्कृत अराउंड 2500 to 3500 ईयर्स बैक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद. तो अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स यानी जादू टोना के बारे में डिस्क्राइब्ड है, और विचक्राफ्ट के बारे में यानी जादू मंत्र जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में डिस्क्राइब्ड है. तो अथर्ववेद इज समटाइम्स कॉल्ड एज द वेद ऑफ द मैजिकल फॉर्मूलाज एंड एफिटेड डिक्लेयर टू बी इनकरेक्ट बाय अदर स्कॉलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी हु वॉज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंग हिज कमांडर इन चीफ वॉज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि बृहदत्त. तो बृहदत्त वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर जिनको असैसिनेट किया था उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने, और फॉर्मेशन किया था अपनी डायनेस्टी का शुंग डायनेस्टी का, जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी. बृहदत्त वॉज असैसिनेटेड इन 185 BCE ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज गार्ड द ब्राह्मिन जर्नल पुष्यमित्र शुंग. ये ब्राह्मण जर्नल थे पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने असैसिनेट किया बृहदत्त को. हु देन टुक ओवर द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश्ड हिज शुंग डायनेस्टी. और इसके बाद इन्होंने अपनी शुंग डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि बुद्धा. तो गौतम बुद्ध इनको कहा जाता है एज द लाइट ऑफ द एशिया. गौतम बुद्ध इज नोन एज द लाइट ऑफ द एशिया एंड द एनलाइटेंड वन. गौतम बुद्ध प्रीच्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो इनकी जो टीचिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अभी भी हम अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कर सकते हैं. एंड गौतम बुद्ध की टीचिंग्स फेमस है फॉर मेंटेनिंग पर्सन्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द डॉक यार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि लोथल. तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोथल में एक डॉक यार्ड मिला था इन IVC. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड फ्रॉम प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. यानी बेसिकली थ्री मेजर कंट्रीज में इसकी मेजर लोकेशंस पाई गई हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड की जो फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं उनमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपने ध्यान में रखना है. तो अगर हम बात करें इन फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस की, तो ये आती हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो आप इसे मेसी करके याद कर सकते हैं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु ऑथर्ड अष्टाध्यायी. So I think we have discussed this question. The right answer was Panini. So we have already discussed this question. So let's move towards the next question now. Next question hai, who among the following is the hero of Kalidasa's Malvikagni Mitram?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ये हीरो हैं ऑफ द कालिदास की इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट इनकी राइटिंग है, जिसका नाम है मालवी मालवी का अग्निमित्रम। तो इसके जो हीरो हैं वो हैं अग्निमित्र शुंग, यानी इनके अराउंड रिवॉल्व करती है ये बुक। सो अग्निमित्र शुंग वॉज द हीरो ऑफ मालवी काग्निमित्रम ऑफ कालिदास। ही बिलोंग्ड टू द बाइमिका फैमिली विच ही वॉज लिस्टेड एज द शुंग बाय द पुराणास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यंस, ये आपने ध्यान में रखना है। द मौर्यास मेंटेन्ड अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, द स्टेट टैक्सेस वर इनसफिशियंट टू मेंटेन सच अ ह्यूज आर्मी, सो दे स्टार्टेड टू रेगुलेट सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू जनरेट मोर रेवेन्यू। द मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज लैंड रेवेन्यू, तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था वो था लैंड रेवेन्यू, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचारांग सूत्र इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जैनिज्म को फॉलो करते हैं आचारांग सूत्र, ये आपने ध्यान में रखना है। आचारांग इज द फर्स्ट ऑफ द 12 अंगास, पार्ट ऑफ द अगमास, यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट विच वर कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हरप्पन साइट्स इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूनिहॉर्न बुल। तो यूनिहॉर्न बुल यानी एक सींग वाला बुल, ये मोस्ट कॉमन फिगर है जिसे पाया गया है इन द हरप्पन साइट्स। सो इन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द यूनिहॉर्न बुल इज डिपिक्टेड एज द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टैक्स कलेक्शन। तो देखिए, टैक्स कलेक्शन वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द कमिटी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट टैक्स वॉज कॉल्ड एज टैक्स कलेक्शन। द कमिटी कलेक्टेड 1/10 ऑफ द प्राइसेस ऑफ द आर्टिकल्स और प्रोडक्ट सोल्ड। तो 1/10 पार्ट ये कलेक्ट करते थे ऑफ द आर्टिकल्स या फिर जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता था उसका। द पनिशमेंट एनी फ्रॉड इन द पेमेंट ऑफ दिस टैक्स वॉज डेथ पेनाल्टी। और अगर इसमें कोई भी फ्रॉड किया जाएगा इस टैक्स कलेक्शन के मैथड पे तो उसकी जो पनिशमेंट थी वो डायरेक्ट डेथ पेनाल्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनडिसाइफरेबल। तो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो अभी भी नोन नहीं है, यानी उसे अभी भी नहीं जाना गया है। इट कैन नॉट बी डिसिफर्ड। सो पीपल लिविंग इन हरप्पा और मोहनजोदड़ो टुडे आर इवन मोर लाइकली टू बी द इनहेरिटर्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द फेमस टेक्स्ट कॉल्ड एज राजवली पताका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित प्रजा भट्ट। तो पंडित प्रजा भट्ट इन्होंने लिखा है इस टेक्स्ट को जिसका नाम है राजवली पताका, ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंडित प्रजा भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम वेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि म्यूजिक एंड आर्ट से एसोसिएटेड है ये वेद, नोन एज सामवेद। हमने बात की थी विचक्राफ्ट एंड जादू टोना वाली वेद की, दैट वाज अथर्ववेद, यानी विचक्राफ्ट के बारे में मेंशन किया गया है इन द अथर्ववेद, और म्यूजिक और आर्ट के बारे में मेंशन किया गया है इन द सामवेद। सामवेद डिराइव्स इट्स रूट फ्रॉम समन विच मीन्स मेलोडीज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। द सामवेद अ बुक ऑफ चेंट्स हैड 1549 हिम्स। ऑल हिम्स एक्सक्लूडिंग 75 आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। तो इसकी खुद की 75 हिम्स है, अदर्स आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। दिस वेद इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, की ये बेस है, म्यूजिक का बेस फॉर्म करता है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्टली कॉइन्स ऑफ सातवाहनास टाइम्स वर मेड अप ऑफ विच मेटल। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि लेड के बने होते थे मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम,
सो इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन, सो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी लैंड रेवेन्यू विल बी द करेक्ट आंसर. सो इंस्टेड ऑफ दीज क्वेश्चन वी विल एड सम मोर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट इट कुड रीच अराउंड 104 to 105 क्वेश्चन, बिकॉज 4 to 5 क्वेश्चन, अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन वर रिपीटेड क्वेश्चन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि मेहगढ़. तो मेहगढ़ इज अ प्लेस जहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस देखे गए हैं ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपने ध्यान में रखना है. लोकेटेड है ये पाकिस्तान के प्रोविंस में, इसका नाम है बलूचिस्तान. मेहगढ़ प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट एंड प्रोबेबली द साउथ एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर रिटन इन विच लैंग्वेज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ये आपने ध्यान में रखना है. द एडिक्ट्स आर कंपोज इन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एंड आर्किक फॉर्म्स इन प्राकृत. तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे अशोका के इंस्क्रिप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन रूलर इज नोन एज अमृत घाट. राइट आंसर हो जाएगा अमृत घटा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिंदुसार. तो बिंदुसार इज कंसिडर्ड टू बी द अमृत घटा नाम से इन्हें जाना जाता है. ये मौर्यन रूलर है जिन्हें अमृत घाट या अमृत कथा के नाम से जाना जाता है. तो बिंदुसार ऑल्सो नोन एज अमृत कथा और अमृतोकैथिस वॉज द सेकेंड मॉडर्न एम्परर ऑफ इंडिया. ही वॉज द सन ऑफ डायनेस्टीज फाउंडर चंद्रगुप्त एंड द फाउंडर ऑफ इट्स मोस्ट फेमस रूलर अशोका एंड द फादर ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर अशोका. तो अशोका के फादर थे बिंदुसार एंड बिंदुसार के फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ गुप्तास वॉज लोकेटेड एट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र में सिचुएटेड थी गुप्तास की कैपिटल. द न्यू किंग एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एज द गुप्ता कैपिटल एंड फ्रॉम हिज एडमिनिस्ट्रेटिव बेस द एम्पायर कंटिन्यूड टू ग्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुमेरिया. तो सुमेरियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखी गई हैं. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. वन सील फ्रॉम मोहनजोदारो शोज अ हाफ ह्यूमन हाफ अ फेलो मॉन्स्टर अटैकिंग अ टाइगर. दिस मे बी अ रेफरेंस टू द सुमेरियन मिथ ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय अरुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू द वैदिक पीपल इज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टबैको. सो टबैको वॉज द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू द वैदिक पीपल, ये आपने ध्यान में रखना है. वीट बाले एंड राइस वर द मेजर फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड ऑफ वैदिक पीपल. टबैको वॉज नॉट नोन टू द वैदिक पीपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ सी यू की. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यून सांग. तो ह्यून सांग इज द ऑथर ऑफ दिस बुक सी यू की. सी यू की वॉज चाइनीज पिलग्रिम मॉन्क एंड स्कॉलर ह्यून सांग. ही रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 17 ईयर्स, और ये इंडिया में 17 सालों के लिए रहे थे ह्यून सांग. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ही विजिटेड कन्नौज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना. एंड हर्षवर्धन ने अपनी जो कैपिटल है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट की थी, ये भी आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इस वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मौर्यन रूलर स्टैब्लिश्ड सांची स्तूपा. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोका. सो अशोका वाज द ग्रेट, ही स्टैब्लिश्ड द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कोलोसल फिगर ऑफ कृष्णा इफर्टलेसली लिफ्टिंग अप द गोवर्धन माउंटेन कैन बी फाउंड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी. तो वाराणसी में लॉर्ड कृष्णा का एक कोलोसल देखा जा सकता है जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा इफर्टलेसली यानी विदाउट एनी एफर्ट वो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पे उठा रहे हैं. सो द कोलोसल फिगर ऑफ कृष्णा इफर्टलेसली लिफ्टिंग अप द गोवर्धन माउंटेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन फ्री स्टैंडिंग स्टोन इमेज बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड. और जो ये इमेज है ये भी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करती है, ये आपने ध्यान में रखना है. इट इज लोकेटेड इन वाराणसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका इज फेमस फॉर.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीमबेटका, ये आपने ध्यान में रखना है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2003। 2003 में यूनेस्को के अंडर यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया था भीमबेटका की केव पेंटिंग्स को एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दे आर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द केव पेंटिंग्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग 8000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम बर्मा वॉज नोन टू द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि के नाम से बर्मा को जाना जाता था इन द एंशियंट इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है। सो स्वर्ण भूमि इज द संस्कृत टर्म जिसका मतलब होता है गोल्डन लैंड और द लैंड ऑफ गोल्ड, कॉइन्ड बाय द एंशियंट इंडियंस विच रिवर्स ब्रॉडली टू द साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ महाभाष्य इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतंजलि। तो पतंजलि इन्होंने महाभाष्य को लिखा है, ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्व वेद। सो द अथर्व वेद इज समटाइम्स कॉल्ड एज द वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज अथर्व वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ गुप्तास वॉज एट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाटलिपुत्र में गुप्तास की कैपिटल सिचुएटेड थी। द न्यू किंग एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एज गुप्ता कैपिटल एंड फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेटिव बेस द एम्पायर कंटिन्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमने अराउंड 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे, बट उसकी जगह पे हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करे, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। आई विल अश्योर दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम देर विल बी नो रिपीटेड क्वेश्चंस, बट सो हेयर गोज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video, and I would like to wish you all the best for your coming examinations.